विच वुड डू मैक्सिमम हार्म टू अ ट्री। यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा ट्री को। स्टेटमेंट ए, लॉस ऑफ हाफ ऑफ इट्स लीफ। अगर हम ट्री में से आधी लीव्स हटा देंगे तो बाकी आधी लीव्स तो अभी भी हैं, तो वो जो बची हुई लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करेगी, खाना बनाएगी एंड अल्टीमेटली प्लांट फिर भी जिंदा रहेगा, तो उससे उसको नुकसान उतना नहीं पहुंचेगा, तो ये तो गलत है। देन लॉस ऑफ ऑल ऑफ इट्स लीव। अगर सारी लीव्स हट भी जाए तो कुछ समय बाद इवेंचुअली न्यू लीव्स आ जाएंगी, वो फोटोसिंथेसिस करेंगी तो उससे इतना हार्म नहीं आएगा। इन फैक्ट बहुत सारे ट्रीज या प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सीजन में अपनी सारी लीव्स को शेड कर देते हैं, फिर नई लीव्स आती है, तो इसलिए ये जो है मैक्सिमम हार्म नहीं कर रहा है ट्री को। लॉस ऑफ हाफ ऑफ इट्स ब्रांचेस। अगर आधी ब्रांचेस लॉस भी हो जाएंगी तो बाकी आधी ब्रांचेस हैं, उन आधी ब्रांचेस पर लीव्स होंगी डेफिनेटली, जो फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन दोनों प्रोसेसेस करके प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, उल्टा प्लांट को जिंदा रखने में मदद करेंगी। लॉस ऑफ इट्स बार्क। ये बिल्कुल सही है, अगर हम बार्क को रिमूव कर देंगे तो जो ट्री है उससे बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो बार्क है वो क्या करती है, ट्री को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो बार्क प्रोटेक्ट्स द ट्री फ्रॉम जो भी अनफेवरेबल कंडीशन है, जो भी वियर एंड टीयर हो रहा है, सो फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, फ्रॉम वियर एंड टीयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखेगी। सो प्रोटेक्ट्स द ट्री फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट्स द ट्री फ्रॉम प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। तो क्योंकि इतना सारा काम कर रही है तो अगर बार्क को ही हमने ट्री में से हटा दिया तो बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा एंड इवेंचुअली ये सबसे ज्यादा हार्म करेगा ट्री को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इट्स बार्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।